आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और एक्ने भी आ रहा है हल्का हल्का सा। चिल्ला क्यों रहे हैं बच्चे? क्या मेरे पानी ले आएंगे खुशी यादव? सो 1 2 3 से कट 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 कट, हम स्टार्ट करेंगे फिर से करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सब बहुत मज़े में होंगे। व्हाट मज़े में होंगे? तो जी, आज मैं करने वाली हूँ ज़ारा बॉटम हॉल, क्योंकि मुझे, हाँ मैं बताती हूँ, इसकी स्टोरी छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, सुन लो प्लीज़। क्योंकि जब भी मैं बॉटम्स पहन के इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालती हूँ, अपनी फुल पिक्चर डालती हूँ, तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपने ये बॉटम कहाँ से लिया है, और मेरी सिस्टर को भी कॉमेंट आते हैं ये आपका सिस्टर का बॉटम कहाँ से है। सो मैं इस वजह से ये खुशी मुझे देख रही है, तो रियलिटी है भाई, लोग पूछते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बता देती हूँ उनको, उनकी उत्सुकता थोड़ी कम हो जाएगी। सो बिना फालतू बकवास किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, ओके? तो मेरे पास काफ़ी सारे बॉटम्स हैं ज़ारा के, बट मैं इस वीडियो में, इस हॉल वीडियो में कुछ ही दिखा रही हूँ गिनती के, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, ओके लेट्स गो। तो गाइज, जो फर्स्ट है मेरा, ये एक जॉगर है, लोअर बोल लो, जॉगर बोल लो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। यू कैन सी ब्लैक कलर का एक लोअर है, पूरा पैरेलल है। मुझे पैरेलल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं ज़ारा से परचेज करती हूँ मोस्टली। यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया फटाक से ज़ारा। ठीक है, इसका साइज़ है मीडियम, क्योंकि मैं ज़्यादातर मीडियम साइज़ लेती हूँ। वैसे स्मॉल भी मुझे ठीक आ जाता है, बट मुझे लगता है कि वॉश करने के बाद ना छोटा हो जाता है कपड़ा, इस वजह से मैं मीडियम साइज़ प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया, और एक सेम एक्चुअली मेरी बहन ने मेरा चोरी करके ले लिया था मेरी बहन ने चोरी करके ले लिया था एक और ब्लैक कलर का, सेम टू सेम, यू कैन सी इसका भी मीडियम साइज़ है और मेरा भी मीडियम साइज़ है, दो। ठीक है, जब ये असली तो ये है कि मैंने इसका चोरी करके लिया था, जब ये लेकर आ गई थी उसके बाद ये पहन के आई, तो मैंने बोला यार मैं भी लूँगी, क्योंकि हम दोनों बॉटम्स ना शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से मुझे भी एक लेकर आना पड़ा, और ये सच्चाई है, हम दोनों बॉटम शेयर नहीं करते हैं दोनों सिस्टर्स होके। मैंने राज खोल दिया यहाँ पे। यू कैन सी इस पे ना मार्क है रेड कलर का, ये वाला मेरा है, और इस पे नहीं है, तो ये वाला मेरी छोटी बहनिया का है। ठीक है, तो इसमें सेम घूर रही है, मुझे घूर रही है। तो ये एक वाइट कलर का भी मैं लेकर आई थी, यू कैन सी ये ज़ारा का, इसका साइज़ भी मीडियम है, एम साइज़ में है। हाँ ठीक है, ये भी पैरेलल सेम स्टफ, वॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट लोअर है, जॉगर लोअर, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से बाय कर लेना या फिर देख लेना, आपको पसंद आए तो ले सकते हो। सो नेक्स्ट है गाइज, मेरे पास एक पैंट, यू कैन सी ये मेरी फॉर्मल भी है, मैं इसको बाहर तक जाती हूँ तब भी पहन लेती हूँ, और जहाँ पे भी बहुत इजीली मैं पहन सकती हूँ इसको, टॉप के साथ पहन लेती हूँ, स्वेटर्स के साथ पहन लेती हूँ, मैंने काफ़ी बार इसको मैंने पहना हुआ है, बहुत बार। जो वी शेप आती है आगे से वो बिल्कुल नहीं आती है ज़ारा के कपड़ों में, और इसलिए लेती हूँ क्योंकि स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स होती है, शेप वगैरह का कोई झंझट ही नहीं होता, हाई वेस्टेड होती है, दैट्स वाई। ठीक है जी, तो ये हो गया, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी अगर मुझे मिला, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। गाइस नेक्स्ट जो है मेरे पास एक ये पैंट है वाइट कलर की, यू कैन सी ये एक वाइट कलर की पैंट है, और ये थोड़ी सी नीचे से स्किनी है, हल्की सी एंकल तक है बस, पूरी फुल पैरेलल नहीं है, तो मुझे ये भी ठीक लगती है। ये है स्मॉल साइज़, स्मॉल साइज़ में ली थी, मैंने गलती कर दी स्मॉल साइज़ लेके, मुझे एम साइज़ लेना था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है इसको पहन के, ना खाना खा के खाना खा लेती हूँ या कुछ भी, तो ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है इस वजह से, क्योंकि बेल्ट भी है ना इसमें, तो ज़्यादा टाइट हो जाती है। अगर लेना है तो मीडियम साइज़ एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने गलती कर दी है मैंने, ओके। ये ब्लैक कलर की एक वेलवेट की पैंट, ये विंटर्स की है, और अब तक की ये सबसे 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 बेस्ट पैंट मुझे लगी है वॉर्म्स में, मतलब
वार्मर पैंट सबसे बहुत बहुत अच्छी लगी, सबसे बहुत बहुत अच्छी लगी है। सो आप सोच सकते हो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए बोलने के लिए कि मुझे इतनी अच्छी लगती है। उसमें साइड में जिप है, यू कैन सी जिप है। और इसका साइज है गाइज, मैंने लिया था ये स्मॉल साइज क्योंकि स्मॉल साइज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कुछ मैंने बताया आपको, जैसे इस वाली वाइट में, ये जो वाइट है इसमें स्मॉल साइज में टाइट आता है क्योंकि बेल्ट है इसमें, इस वजह से अगर मैं अच्छे से कैरी करती हूँ तो बहुत टाइट हो जाती है। इसमें मीडियम साइज ठीक रहेगा। एक बार ना, इसलिए मैं बोलती हूँ ऑनलाइन ना हमेशा जो बॉटम्स होते हैं ऑनलाइन कभी भी परचेस नहीं करने चाहिए, जाके स्टोर में देखो तभी फिटिंग का अच्छे से पता चलता है, क्योंकि मेरा हो गया है, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस, मैं खुद से बता सकती हूँ। स्टोर से लो, ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको मीडियम साइज भी कभी कंफर्टेबल आ जाता है बहुत ज़्यादा, स्मॉल साइज भी आ जाता है, एक्सेल स्मॉल भी आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये है गाइज, इसका साइज मैंने आपको बता दिया था, स्मॉल साइज है, और ये मेरी आज तक की सबसे प्यारी पैंट है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, बोलो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं बिना सोचे समझे इसको पहन लेती हूँ और किसी के ऊपर भी। मटेरियल गाइस, मटेरियल नो डाउट इतना सुंदर वाला है ना, बहुत अच्छी पैंट है। इसमें अगर मुझे शेड्स मिलेंगे ना तो मैं शेड्स भी लेना चाहूंगी, बट अभी तक आए नहीं है, ब्लैक है ओनली इस वजह से। और ये स्ट्रेट है नीचे से, स्किनी नहीं है, बिल्कुल पैरेलल होती है ना जो, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट वैसी है। तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी और इसकी पिक्चर भी डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। एक बार लेकर देखो ये पैंट, एक बार मेरे कहने पे आप खुश हो जाओगे गाइस, खुश हो जाओगे, बिना सोचे समझे ले लो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये समर्स की है, वो विंटर्स की थी, वेलवेट वाली जो मैंने आपको दिखाई। और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, ये पैंट भी ब्लैक कलर के टॉप्स के साथ, ब्लैक कलर की हुडी के साथ मैं बिना सोचे समझे पहन लेती हूँ। डार्क ब्लू शेड्स पे, मतलब डार्क शेड्स पे काफ़ी अच्छी लगती है, ब्लैक के ऊपर, डार्क ब्लू के ऊपर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पहनना। और पूरी स्ट्रेट पैंट है, पूरी स्ट्रेट। ऑफिस में मैं मोस्टली पहन के जाती हूँ, ऑफिस पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, या फिर आपने ब्लैक कलर की कुर्ती डाली है, क्रॉप टॉप डाला हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है। स्किनी चीज़ें मुझे कम पसंद है, दैट्स वाई मैं इनको लेती हूँ, क्योंकि जो पैरेलल होती हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। इससे आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है ना वो और इनहेंस हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। पैरेलल जो पैंट्स वगैरह या फिर हाई वेस्टेड पैंट्स, ये सब हाँ, स्किनी आजकल वैसे भी अवॉइड ही करते हैं पहनना, और अच्छी भी नहीं लगती है मुझे जहाँ तक लगता है। सो नेक्स्ट है गाइज, ये डार्क ब्लू कलर की एक और मेरे पास क्लूटॉस पैंट, सेम जो मैंने आपको ब्लैक वेलवेट दिखाई, अभी क्रीम कलर की दिखाई, ये वाली यू कैन सी, ये डार्क ब्लू शेड है। मेरे पास मोस्टली आपको ऐसी पैंट्स मिलेंगी, क्योंकि मुझे ज़ारा की ये जो क्लूटॉस पैंट्स हैं बहुत अच्छी लगती है, मैं बिना सोचे समझे इनमें अगर स्मॉल साइज है तो मैं उठा के लेकर आ जाती हूँ। इसका साइज गाइज है मेरे पास स्मॉल साइज की है, और ये भी मैं वाइट कलर के टॉप के साथ या फिर वाइट कुर्ती के साथ मोस्टली मैं पहन के जाती रहती हूँ, ऑफिस पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है वैसे ऑफिस में पहन लेती हूँ और मैं बाहर भी पहन लेती हूँ। सब दिखती है मेरी क्लूटॉस पैंट्स वगैरह दिखती रहती हैं, तो मैं इनको ही पहन लेती हूँ। ये भी क्लूटॉस, ठीक है। सो नेक्स्ट है गाइज, मेरे पास एक और ब्लैक कलर की क्लूटॉस पैंट कमेंट सेक्शन में बता देना मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट क्लूटॉस पैंट ही बोलते हैं ऑफकोर्स, यस है ना, सही बोल रही हूँ, ये वाली एक और पैंट मेरे पास एक बार बता ना क्या बोलते हैं इसको, क्यू लॉट्स मैं भी शॉर्ट नहीं बोलती, दोनों में से कोई भी शॉर्ट नहीं, और इतनी सारी पैंट्स और हॉल वीडियो करने बैठ गई हूँ। सॉरी गाइज, यार देख लेना, स्पेलिंग डाल दूंगी यहाँ पे, जो भी बोलते हैं प्लीज देख लेना। ज़ारा पे जाती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ मुझे क्लूटॉस पैंट चाहिए, वो सीधा मुझे निकाल के बता देता है, या फिर वो बोल देता है वहां पे लगी हुई है, आप वहां पे चले जाओ आपको वहां से मिल जाएगी, तब मैं वही बोलूंगी ना, क्लूटॉस बोलते हैं यार खुशी, इसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है, मेरी वीडियो लंबी हो रही है। सो गाइज, इनको क्लू बोल, सो
सो गाइस इनको क्यूलॉट्स पैंट्स बोलते हैं. यस क्यूलॉट्स, मैंने अभी यू नो गूगल पे सुना है तो क्यूलॉट्स, दैट्स क्यूलॉट्स, ठीक है ना, दैट्स क्यूलॉट्स, क्यूलॉट्स पैंट्स. ओके, मैं बता रही थी कि ज़ारा की मेरे पास ये ब्लैक कलर की इतनी सारी थी ना, ये मेरी शायद फिफ्थ या फोर्थ वाली, फोर्थ पैंट हो गया, यस फिफ्थ या फोर्थ है. ये वाली मैं घर पे पहनती हूँ, ये वाली मैं ऑफिस पहन के जाती हूँ. ब्लैक कलर की पूरी हाई वेस्टेड है और ये बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर की मोस्टली मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो डेली धोना वोना, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ख़राब हो जाएगी, तो मैंने एक घर की ले ली है और एक मेरी बाहर की है. सेम कैन सी ज़ारा का है ये एक्सेल स्मॉल साइज़. मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको एक्सेल स्मॉल भी कंफर्टेबल आ जाएगा कभी किसी पैंट में, स्मॉल भी आ जाएगा, तो ये एक्सेल स्मॉल है, यू कैन सी एक्सेल स्मॉल, ठीक है. ये शायद मेरी चौथी या पांचवी पैंट्स होंगी ये ब्लैक, तो मैंने इतनी रगड़ी हुई है ना ज़ारा की पैंट्स, इतनी ये वाली बहुत ज़्यादा, आप बिना सोचे समझे ले लेना यार, मैं ये वाली तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे. ये सारा था अभी मैंने आपको थोड़े बहुत दिखाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी और भी बॉटम्स पैंट्स वगैरह जॉगर्स वगैरह दिखाऊंगी, ठीक है. तो जी आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं आपको जो भी होगा नीचे लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि सबकी पिक्चर्स मुझे मिल जाए, मैं नीचे आगे वीडियो में मतलब वहाँ पे लगा दूँ और आप देख लेना कौन सी क्या है, कहाँ से मैंने, ठीक है, लिंक वगैरह सब कुछ दे दूँगी आपको. तो जी गाइज आज की वीडियो मेरी होती है यहीं पे ख़त्म. आई होप आपको पसंद आई हो, आपके यूज़ में आए ये वीडियो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है. तो जी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना गाइज, बाय गाइज, बाय.